नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। आप इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ियों का जो है आने जाने का दौर शुरू है। आपको मालूम है कि ईडी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में समन भेजा है और उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों से अलग अलग खबरें निकल करके आ रही है, लगातार चीज़ें अपडेट हो रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के भीतर यूपीए विधायक दल के की बैठक चल रही है। यूपीए के ज़्यादातर विधायक जो है इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अंदर बातचीत कर रहे हैं। एक चीज़ जो ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। जो बुलावा ईडी ने कल उनको भेजा था कि कल आप आइए और 11:30 बजे का वक्त जो है तय किया था ईडी ने, उसमें अब यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री कल नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का जो एक जो निर्देश आया है, अगले 15 दिनों तक जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय है उसमें बाकायदा लगातार उनका जो भी कार्यक्रम अलग अलग दिन में रखा गया है वो स्पष्ट है। इसके बाद से यह अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कल जा नहीं रहे हैं और इन्हीं चीज़ों के आधार पर हो सकता है कि ईडी को एक ज्ञापन भी सौंपा जाए कि मुख्यमंत्री काफ़ी व्यस्त हैं, उनका अगला 13 दिनों तक यानी कि 15 नवंबर तक जिस दिन झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है उस दिन तक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त है और ऐसे में वो ईडी के बुलावे पर फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं। इस वक्त अभी लगातार जो है विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है और हम लोगों के पास जो खबरें थी कि मुख्यमंत्री को जो समन भेजने की खबरें जो सार्वजनिक हुई अखबारों के जरिए सबसे पहले, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास और जो यूपीए के नेता हैं वो हरकत में आए, लेकिन जो खबरें अभी मिल रही है कि कल देर रात ही यानी कि ईडी का जो नोटिस आया उसके बाद से जो ही है यूपीए जो नेतृत्व है यूपीए के जो नेता हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और लगातार कल ही यूपीए विधायकों को यह फ़ोन करके ये सूचना दिया गया था कि आप बुधवार को शाम तक यानी कि 5 बजे जो तय समय किया गया था समय मुख्यमंत्री आवास में बैठक का उसको लेकर के सूचना दे दिया गया था और इसी का आलम यह है कि मुख्यमंत्री आवास में जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल कई सारे लोग जो है अब तक नहीं आ पाए हैं, उसमें दो मंत्री जो हेमंत सोरेन कैबिनेट के जो दो सहयोगी हैं मिथिलेश ठाकुर और जगन्नाथ महतो, हालांकि जो खबरें आ रही है कि वो रास्ते में हैं और वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बीच बैठक शुरू हो गई है। राजद, कांग्रेस और जेएमएम के जो विधायक हैं वो इन बैठकों में मौजूद हैं और लगातार जो है कैसे क्या रणनीति बनाई जाए वो देखिए। अभी अम्बा प्रसाद जो है वो जा रही हैं तो चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम जो सार्वजनिक हुआ और उसमें बाकायदा लिखा गया कि 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है और उसी विशेष सत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड का 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर के, जिसका कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल चुका है, बीते 14 सितंबर को कैबिनेट ने इस पर सहमति भी दी थी, इन मुद्दों पे काम होना और बाकायदा इसको फोकस्ड रख करके जो है इसको केंद्र में रख करके बाकायदा जब पत्र जारी किया गया था उसमें भी लिखा गया था। तो अब जबकि ये जो बैठक चल रही है इसमें बाकायदा इस बैठक के जरिए यही संदेश देना है, पहले तो विधायकों को ये संदेश देना है कि भाई 11 नवंबर को जो विशेष सत्र होगा उसमें एकजुट रहना है, जो एक बहुत बड़ा मांग जो 1932 आधारित स्थानीयता का है उसको विधानसभा से पारित कराना है वो एक बड़ी चुनौती भी है और इसको लेकर के जो है एक आज की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ इस बैठक से ये भी संदेश देना है खास करके विपक्ष को, वैसी संस्थाओं को जिस पर लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है कि वो हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रच रहे हैं, उन तक भी एक मैसेज है कि यूपीए के जो विधायक हैं चाहे परिस्थितियां कुछ भी बने वो सारे के सारे लोग एकजुट हैं। यही वजह है कि अचानक से जैसे ही अब तक खबरें पहुंची कि सुबह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा जा चुका है, वैसे ही शाम तक जो है इन बैठकों का दौर आप देखना शुरू कर दिए हैं। अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही तस्वीरें जो है फॉलोअप के जरिए आप तक पहुंचती रहेंगी। इसके पहले भी जब आपको मालूम होगा कि चुनाव आयोग में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो मसला था 88 डिसमिल जो खनन पट्टा का मामला,
उससे संबंधित मामले में भी लगातार हम लोग आपके पास अपडेट देते रहे और ऐसी ही तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के भीतर से हम लोग देते रहे। हालांकि इस वक्त सारे पत्रकारों को मुख्यमंत्री आवास से बाहर रखा गया है। आप देखिए तस्वीरों में कि सैकड़ों पत्रकार जो हैं वो बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं इंतजार में कि जब बैठक समाप्त होगी और उसके बाद जब लोग निकलेंगे तो क्या कुछ निकल करके आता है, वो क्या बोलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हालांकि कुछ भी ठोस वहां से निकल करके कोई बातचीत तो नहीं आएगी, सूत्रों के हवाले से ही खबरें आप तक पहुंचेंगी। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए, हम लोग लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर से आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।